मानव शरीर का संरचनात्मक भाव समझाते हुए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अध्याय 15 के 12 में श्लोक में, जड़ चैतन्यो अनादिकालेन क्रियावानं जड़ चेतनस्य परिणाम निर्बंध भवतु, व्यापकता का स्वरूप समझाते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह जड़ और चैतन्य दोनों परम तत्व अनादिकाल से क्रिया से युक्त होते रहते हैं। यह बनना बिगड़ना जड़ चैतन्य के परिणाम से ही होता है। देहे परिणत बतम जीव बिंदु शुक्र केवलम सने सने विस्या पड़मह भवति अंडम। 13वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, इस देह में परिणित होने वाला जीवात्मा पहले केवल शुक्र बिंदु का स्वरूप बनता है, फिर धीरे धीरे जड़ चैतन्य के विषय परिणाम को प्राप्त हो माता के गर्भाशय में एक अंडाकार स्वरूप वाला हो जाता है। अंडेन पिंडा भवति किञ्जना काले पूर्णागम निर्बंध प्राणा संरचति मानव देह प्रत्यक्षम। 14वें श्लोक में मानव शरीर का विचार समझाते हुए सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, अंड के स्वरूप से कुछ समय बाद एक पिंड का पूरा आकार बनकर सभी अंग प्रत्यंग विकसित हो जाते हैं। 4-5 मास के प्राण का संचार भी बन जाता है। फिर गर्भाशय में मानव देह का स्वरूप बन घूमने लगता है। गर्भस्य बहिगच्छति वर्षाण भवति प्रलयः निर्बन्ध तत्वाद तत्वे मिलियत्वः सर्व लियते। 15वें श्लोक में मानव शरीर का सृष्टात्मक भाव समझाते हुए सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बन्ध, यह जीवात्मा मानव शरीर वाला है, गर्भ के बाहर 9 महीने बाद आ जाता है। तत्वों एवं त्रिगुणात्मक जड़ चैतन्य से रहित रचित शरीर वाला शिशु से बड़ा हो युवा अवस्था को प्राप्त हो गृहस्थी के नाना जंजालों में पड़कर वृद्धापन में पहुंचकर शरीरांत को प्राप्त हो जाता है, तब शरीर के सभी तत्व अपने अपने स्वरूप में मिलकर पृथ्वी तत्व में बन जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में और अग्नि अपने स्वरूप में मिल जाती है। आकाश उस घटा आकाश को अपने में मिला लेता है। इस प्रकार सभी तत्व अपने अपने भाव में लीन हो जाते हैं। तत्वा तत्वेश निर्लिप्तम भवति प्रयाम संयुक्त संग्रह उत्पत्ति या निर्बंध कारणम। 16वें श्लोक में तत्वों का भाव प्रकाशन का बताते हुए गुरु महाराज जी ने निर्बंध से कहा कि हे निर्बंध, तत्वों का तत्वों में लिप्त हो जाने से एक प्रलय का स्वरूप बन जाता है। तत्वों में एक मिलौनी क्रिया जड़ चैतन्य का विषय परिणाम की उत्पत्ति है। सत जड़ चैतन्य आदि इसका मूल प्रकृति का कारण है। इस प्रकार गुरुदेव भगवान समझाते हुए हमारा शरीर किस प्रकार उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे गर्भाशय से बालपन युवावस्था, युवा के बाद वृद्धापन, ऐसे ही धीरे हमारा जर्जर शरीर हो जाता है, ऐसे ही
शरीर की सारी क्रियाएं खत्म होकर उस परमात्मा के स्वरूप में चली जाती हैं। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, इसी प्रकार हमारा शरीर भी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है।